स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम बोर्ड एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की, जो कि SBI क्लर्क एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन कोई भी बैंकिंग एग्जाम का हो उसमें आता ही आता है एप्टीट्यूड सेक्शन में। चलिए तो देखते हैं, इसमें मैं SSC का भी कवर करूँगा, हायर लेवल के क्वेश्चन भी और लोअर लेवल के क्वेश्चन भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम है रोहित खेरा, मैंने BE किया 2013 में। उसके अलावा मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं, और आपको कुछ नोट्स या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना हो तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, 7049240399। ओके, साथ में आप फेसबुक पर मुझे रोहित खेरा 22 पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बोर्ड एंड स्ट्रीम के बारे में। अब देखिए, बोर्ड एंड स्ट्रीम काफ़ी ईजी है, अब इसको कैसे समझना है वो देखते हैं। अब देखिए, इसमें बोर्ड एंड स्ट्रीम को हम हिंदी में कहते हैं नाव और धारा, ठीक है, नाव व धारा। अब देखिए, इसमें दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, एक है डाउन स्ट्रीम जिसको हम हिंदी में कहते हैं धारा के साथ यानी अनुप्रवाह, आपको हिंदी में लिख के आएगा। उसके अलावा दूसरी होती है अपस्ट्रीम जो होती है हिंदी में से कहते हैं धारा के विरुद्ध और कहते हैं ऊर्ध्वप्रवाह, ठीक है। ऊर्ध्वप्रवाह होता क्या है, एग्जांपल के तौर पे ये पानी बह रहा है, धारा बह रही है, तो धारा का डायरेक्शन किस साइड है, इस टाइप है। मान लो धारा की स्पीड क्या है, एस और स्ट्रीम की स्पीड, मान लीजिए इसमें एक बोट है और ये भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो धारा उसको सपोर्ट करेगी फ्लो करने में, तो जो स्पीड कहलाती है ये कहलाती है डाउन स्पीड, ठीक है, डाउन स्ट्रीम कहलाती है। डाउन स्ट्रीम क्या होती है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, याद रखिएगा। सेम सेकंड कंडीशन, ये धारा फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, बोट है वो क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ये बोट की स्पीड बी मान लीजिए और किए तो ये अपोज करके जा रही है, तो जाहिर सी बात स्पीड कम होगी, तो ये कहलाती है धारा के विरुद्ध स्पीड यानी आप स्ट्रीम, तो इसकी वैल्यू होती है बी माइनस एस। तो दो चीज़ आपको याद रखनी है, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम क्या होती है, ये होती है बी प्लस एस, अप स्ट्रीम क्या होती है, ये होती है बी माइनस एस, ठीक है। इसके अलावा आपको यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए, जैसे किलोमीटर पर आवर में आपकी क्या दी है, स्पीड दी है, इसको आपको चेंज करना है किसमें, स्पीड को मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करते हैं, किलोमीटर पर आवर में कितने का इंटू करते हैं, 5/18 का, ये किसमें चेंज हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्यों करते हैं मीटर पर सेकंड में, कब करेंगे चेंज, डिस्टेंस आपका किसमें दे दे, मीटर में दे दे, या टाइम आपका किसमें दे दे, सेकेंड में दे दे, ठीक है। तो आपको अपनी स्पीड किसमें चाहिए, मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। सेम अगर आपका स्पीड मीटर पर सेकंड में है, इसको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें कितने का इंटू कर दें, 18/5 का, तो चेंज हो जाएगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। अब स्पीड किलोमीटर पर आवर में कब होनी चाहिए, डिस्टेंस या तो किसमें दे दें, किलोमीटर में हो, और टाइम किसमें हो, आवर में हो, तो आपकी स्पीड किसमें होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया होता है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन में स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही पूछता है, तो आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, उसको आप चेंज करोगे इसमें किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। चलिए तो इतना बेसिक हो गया। इसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने दे दिया कि स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो इसमें कितने का इंटू करूंगा मैं, 5/18 का, ये हो गया 18 × 72 या क्या 20 मीटर पर सेकंड। तो ये बेसिक था बिल्कुल, ठीक है। तो कुल मिला के दो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है, एक डाउन स्ट्रीम क्या होती है, दूसरी अप स्ट्रीम क्या होती है। इसके अलावा आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी चाल बराबर होती है किसके, दूरी बटे समय के, ठीक है। इससे दो फॉर्मूले और बन जाएंगे, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस के, तो ये आपको याद होने चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलिए पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है
अ बोट कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ स्पीड ऑफ स्टीम इज 4 किलोमीटर पर आवर देन द फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट गो टू 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। क्वेश्चन हिंदी में बोल के बताऊँ आपको तो, एक नाव है जिसकी चाल कितनी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में। शांत जल का मतलब होता है धारा नहीं है, केवल किसकी चाल है, बोट की चाल है। फिर बोल रहा है धारा की चाल स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर है। अब बोल रहा है उसको डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करना है कितना, 68 किलोमीटर ट्रेवल करना है डाउन स्ट्रीम में। तो बोल रहा है टाइम कितना होगा। अब देखिए आपको पहले तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता होनी चाहिए। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, बी प्लस एस होती है। तो ये हो गया 13 + 4, 17 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई हमारी। अब आपको पता है मुझे निकालना है टाइम, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है कितना, 68 किलोमीटर, और आपकी स्पीड भी किस में है, किलोमीटर। ये कितना हो गया, 17 × 68, आंसर आ गया कितना, 4 आवर, सी ऑप्शन। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, अ मैन स्पीड विथ करेंट इज 15 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ करेंट इज 2.5 किलोमीटर, द मैन स्पीड अगेंस्ट द करेंट इज दिस। अब बोल रहा है एक आदमी जिसकी चाल धारा के साथ, ठीक है, करेंट यानी धारा के साथ कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोल रहा है धारा की चाल कितनी हो, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर हो, तो उस आदमी की धारा के विरुद्ध यानी अगेंस्ट में क्या होगी। अगेंस्ट मतलब क्या, अपस्ट्रीम, धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम। अब देखिए डाउन स्ट्रीम में आपको पता है बी प्लस एस कितना होता है, डाउन स्ट्रीम होती है, और ये कितना दिया आपको, 15 किलोमीटर पर आवर दिया है। फिर बोल रहा है एस कितना है, एस की वैल्यू दी है 2.5, तो आप पुट कर दीजिए, तो बी प्लस 2.5 इक्वल टू क्या आ गया, 15। ये इधर चला गया तो बी इक्वल टू आ गया 15 माइनस 2.5, तो बोट की कितनी आ गई, बोट की आ गई 12.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए बोट की आ गई 12.5 किलोमीटर पर आवर, आपको पूछा क्या, लेकिन अगेंस्ट पूछा है करंट की, मतलब क्या बोल रहा है, अपस्ट्रीम में बताइए। तो ये होता है क्या, बी माइनस एस। बी कितना है हमारा, आपको पता है बी है हमारा 12.5, एस कितना दिया है 2.5, कितना आ गया आंसर, 10 किलोमीटर बराबर। तो धारा के विरोध में आंसर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बोट अपस्ट्रीम में 8 घंटे 48 मिनट ट्रेवल करती है, ठीक है, 8 घंटे 48 मिनट। अब बोल रहा है सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे में ट्रेवल करती है, तो बोट और करंट की यानी धारा की रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो आपको पता है डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बी प्लस एस, इसका कितना टाइम दिया है, 4 घंटे दिया है, ठीक है। सेम अपस्ट्रीम में स्पीड होती है बी माइनस एस, इसमें जो टाइम दिया है इसका कितना दिया है, 8 घंटे 48 मिनट, ठीक है। 48 मिनट को किसमें चेंज करना पड़ेगा, आवर में, इसलिए हो जाएगा 48/60, हो जाएगा कितना, टाइम देख लेते हैं, इसका 4 है, उसका ये हो गया 1248, 12×5=60, ये हो गया 8×5=40, और 4×44/5 आवर, ठीक है। अब देखिए ये हमको पता चल गया इसका टाइम है। अब आप मान लो हमें निकालना क्या है, टाइम दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, डाउन स्ट्रीम का टाइम बाय अप स्ट्रीम का टाइम कर दो, इस टाइप से कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये करेंगे तो इससे क्या आएगा, या फिर हम दोनों की डिस्टेंस कैसी है, सेम है, तो आपको पता है डाउन स्ट्रीम का टाइम इक्वल टू होता है कितना, डी बाय एस स्पीड, और स्पीड कैसी, डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड। सेम अप स्ट्रीम का टाइम क्या होगा, डी बाय अप स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे डी दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा, तो होगा क्या एक्चुअल में, बी ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम की स्पीड इंटू डाउन स्ट्रीम का टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस के, और ये बराबर हो जाएगा यू इंटू टी और यू स्ट्रीम का टाइम के, ठीक है। तो दोनों के डिस्टेंस क्या है, सेम रहेगी ना, चलिए इसमें वैल्यू रख दीजिए। डाउन स्ट्रीम क्या होती है, बी प्लस एस, इसका टाइम कितना दिया, 4 घंटे। अप स्ट्रीम का टाइम कितना है, ये आ गया अप स्ट्रीम का 44/5, और ये हो गया बी माइनस एस, 4 से कट कर दीजिए, ये आ गया 11। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया 5b + 5s इक्वल टू 11b - 11s, ठीक है। तो ये यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया,
11 प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 16s इक्वल टू, ये वहाँ गया, ये हो जाएगा 11 माइनस 5 6 भी, ठीक है। तो हमें किसका रेशियो पूछा है, बोर्ड टू इसका, तो यहाँ से बोर्ड टू क्या आ जाएगा 6 3 बाय 6 यानी 8 बाय 3, तो रेशियो क्या आ गया 8:3 ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक बोट है जिसकी स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर है और वो 30 किलोमीटर ट्रेवल करती है डाउन स्ट्रीम में और वापस आती है, तो कुल टाइम लगता है उसको 4 घंटे 30 मिनट। तो बोल रहा है स्पीड बताइए स्ट्रीम की, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है। अब देखिए आपको टोटल टाइम दिया है आने और जाने का, तो जाहिर सी बात है जाएगा डाउन स्ट्रीम से और आएगा किससे, अप स्ट्रीम से, तो टोटल टाइम लग रहा है 4 घंटे और 30 मिनट। 30 मिनट को किस में चेंज कर देंगे आवर में, तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 और 1 9/2 आवर आ गया ये। अब आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखिए 30 किलोमीटर जाता है किससे, डाउन स्ट्रीम से, तो डाउन स्ट्रीम पता है क्या होता है बी प्लस एस, सेम अप स्ट्रीम में भी 30 किलोमीटर चलता है और वापस आता है किससे, अप स्ट्रीम की स्पीड से यानी बी माइनस एस से, और टाइम कितना ले रहा है 9/2। अब आपको बी की वैल्यू दी रखी है, कितनी है बी की वैल्यू 30/ बी की वैल्यू है 15 प्लस एस इक्वल प्लस 30/15 माइनस एस इक्वल टू 9/2, ये दिया हुआ है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एक तरीका तो है कि आप किस से चेक कर लें, ऑप्शन से चेक कर लें, राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाए लेफ्ट हैंड साइड आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए रख के देखते हैं। दूसरा है इसको हम पूरा सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करें। चलिए पहले ऑप्शन से करना है इसको, सबसे बेस्ट रहता है, टाइम आपका बचेगा। चलिए तो एस की वैल्यू हम रखते हैं 4, तो ये हो जाएगा 30/15 + 4 और ये हो जाएगा 30/15 - 4, तो यहाँ से आएगा 13/19 और ये आ जाएगा 13/11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्या 4.5 नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 30/20 और ये हो जाएगा 30/10, ये हो जाएगा कितना 1.5 और ये हो जाएगा कितना 3, ये आएगा कितना 4.5 और 9/2 होता है कितना 4.5 यानी RHS आ गया। कुल मिला के ऑप्शन क्या हो गया बी। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना चाहें तो देखिए जल्दी से कर लेते हैं। अब देखिए ये एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 × b - s, अभी मैं b की वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 30 b + s इक्वल टू हो जाएगा 9/2 ऑफ b + s × b - s, ये हो जाएगा कितना 30 b - 30 s + 30 b + 30 s इक्वल टू 4.5, ये हो जाएगा a + b × a - b यानी b² - s²। अब यहाँ पे देखिए 30s कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 60 b = 9/2 = हो जाएगा b² - s². अब इसको और सॉल्व करते हैं फर्दर, तो इसको ये हो जाएगा 3 से कट कर दें 3×9 = 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 40 b = 3×3 3b² - 3s², तो यहाँ से क्या आया 3b² - 3s² - 40b। अब b की वैल्यू आपको पता है ना कितनी है, 15 दी हुई है, पुट कर देते हैं b की वैल्यू हमें 15 दी हुई है, ठीक है, क्वेश्चन में b की वैल्यू 15 है, 15 पुट कर दीजिए इसमें आप, 15 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3×15² यानी 225 - 3s² - 40×15 = 0। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3s² वहाँ चला गया, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 × 15 = 5 हासिल आइए 3×7 3×6 = 675 -15 = 650 तो यहाँ से आया 75, 3s² आ गया 75 के मतलब, ये हो गया 25, s² आ गया कितना 25 और s क्या आ गया यहाँ से 5।
तो एक तरीका तो ये होता है कि आप इसको सॉल्व कर लें पूरा। दूसरा ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि ऑप्शन से चेक कीजिएगा इसको। चलिए तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और टफ लेवल के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, हायर लेवल के क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, लाइक करने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, मुझे काम करने का इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि अच्छा लगता है कि आप उस वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं और वीडियो बनाऊँ, ये अच्छा काम कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए प्लीज़ जितना कर सकते हैं, ताकि लोग देखें, उनकी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी अच्छे कंटेंट के लिए। साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।